सबसे पहले मैं लूँगी हाफ कप दूध, और फ्रिज का ठंडा दूध हमें नहीं लेना है। अगर आपका फ्रिज का ठंडा हो तो या तो उसको हल्का सा गरम गुनगुना कर ले, बहुत गरम भी नहीं, और या फिर उसको रूम टेम्परेचर पे आने दें। इस दूध में मैं मिलाऊंगी 1 टीस्पून वेनेगर। ये नॉन फ्रूट वेनेगर है जो पनीर बनाने में या दूध फाड़ने में काम आता है। इसको हम इस तरीके से मिक्स करके थोड़ा सा छोड़ेंगे। कुछ ही सेकंड बाद आप देखेंगे किस तरीके से ये दूध फटाफटा सा हो गया है, हमको ऐसा ही चाहिए। अगर आपका ये दूध तुरंत नहीं फटता है तो इसको 3-4 मिनट के लिए छोड़ दें। नेक्स्ट इसमें मैं मिलाऊंगी हाफ कप पाउडर शुगर। वन फोर्थ कप मिल्क पाउडर, 1/4 कप रिफाइन ऑयल, थोड़ा सा पिंक कलर, यहाँ पे आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, जेल भी और वाटर कलर भी जो एडिबल होता है। साथ ही इसमें स्ट्रॉबेरी एसेंस, ये ओसरो का स्पेनिश स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, बहुत ही इसका टेस्ट अच्छा है, एकदम रियल स्ट्रॉबेरी जैसा। और इन सबको हमें मिक्स करना है। आप इसके लिए हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हो, इलेक्ट्रिक बीटर भी। और इसको हमें 2 मिनट फेंटना है ताकि जो भी आइटम हमने इसमें डाला है इंग्रेडिएंट वो सब आपस में मिक्स हो जाए। इसको सबको मिक्स करने के बाद अब इसमें डालेंगे हम हाफ कप मैदा, 1/4 TSP बेकिंग पाउडर और 1/8 TSP बेकिंग सोडा। अब इसको हम इसके फेंट के फिर से मिक्स करेंगे। इसको बस 1 मिनट के लिए फेंटे, उससे ज़्यादा नहीं, ओवर बीटिंग हमें नहीं करनी है। सिलिकॉन मोल्ड जब भी यूज़ करें कपकेक के लिए उसमें पेपर लाइनिंग ज़रूर लगाएं। और मोल्ड को मैं यहाँ हाफ भरूंगी। अगर आपको उसके ऊपर आइसिंग नहीं करनी है क्रीम या बटर क्रीम से तो आप इसको 3/4 भर सकते हैं। इस कपकेक की रेसिपी में आप एसेंस और कलर बदल के आप कोई भी फ्लेवर का बना सकते हैं, ऑरेंज, मैंगो, पाइनएप्पल, जो भी आप फ्लेवर बनाना चाहें, बस आप इसमें एसेंस चेंज कर दें और कलर चेंज कर दें। इसको अब मैं 180 डिग्री पे मैंने 10 मिनट के लिए ओवन को प्रीहीट किया था, और अब 15 से 18 मिनट के लिए मैं इसको बेक होने के लिए रखूँगी सेम 180 डिग्री के टेम्परेचर पर। बाकी आप इस चीज़ का ध्यान रखें, ओवन के साइज़ के ऊपर भी बेकिंग का जो टाइम है वो थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। अगर छोटा ओवन है तो हो सकता है 15 मिनट में बेक हो जाए, और बड़ा ओवन है तो हो सकता है 20 या 22 मिनट भी ले ले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 20 मिनट में बहुत ही बढ़िया हमारा ये कपकेक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का बन के रेडी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।